प्राचीन हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा मोहद्दीपुर स्थित चार फाटक प्राचीन हनुमान मंदिर से सावन के पवित्र माह में महिलाओं द्वारा 111 कलश यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में कार्यक्रम के आयोजक चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह कलश यात्रा मोहद्दीपुर चार फाटक प्राचीन हनुमान मंदिर से निकाली गई है, जो मंदिर काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ था। सावन माह में मूर्ति की स्थापना की गई है, उसी उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है, जिसमें 111 महिला सम्मिलित हुई हैं। उन्होंने बताया कि यह कलश यात्रा मोहद्दीपुर चौराहे से होते हुए मोहद्दीपुर पावर हाउस होकर वापस मंदिर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर संतोष यादव, सुमन सिंह, चित्र देवी, शिवेंद्र कुमार, चंद्र जी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर सिंह ने कहा, शिवेंद्र कुमार गौड़। एक कलश यात्रा निकाली जा रही है, प्राचीन हनुमान मंदिर मोहद्दीपुर में स्थित है, जो वर्षों से वीराना पड़ा हुआ था। उस उपलक्ष्य में मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उस उपलक्ष्य में मंदिर को और विस्तार रूप देने के लिए कलश यात्रा महिलाओं का निकाला गया है, जिसमें 111 महिलाएं सम्मिलित हुई है और बहुत ही भव्य रूप से मोहद्दीपुर के एक विशाल मंदिर गोपाल मंदिर था, उसके बाद ये हनुमान मंदिर का विस्तार हुआ है। इसी के लिए मैं सभी आए हुए भक्तों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मोहद्दीपुर चौराहा से होते हुए मोहद्दीपुर चौक नहर के पास से हाइडल कॉलोनी होते हुए फिर वापस हनुमान मंदिर पर आके समाप्त होगी।